तो बगोदर में झामुमो नेता ने अशोक निराला ने शनिवार को बगोदर पश्चिमी समुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। कांग्रेस ने उन्होंने ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया, जबकि अरुण कुमार को सचिव और धर्मेंद्र राणा को संयुक्त सचिव बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक निराला ने बताया कि झामुमो में घुटन महसूस कर रहे थे और कांग्रेस द्वारा मिलन सम्मेलन के बदले पूरी निष्ठा से जनसेवा करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने उनके स्वागत में कहा कि इस कदम में बगोदर क्षेत्र में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। आज बगोदर के धरती पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत महती बैठक में निर्णय लिया गया और जिसका समर्थन हमारे अशोक निराला जी ने लिया। चूंकि अभी माहौल है चुनाव का और चुनाव के मद्देनजर ये बात नहीं चल रही थी, अशोक निराला जी ने विभिन्न पार्टियों को आजमाते हुए देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी ने भी इनको बड़ा दिल दिखाते हुए डायरेक्ट उनको अपने गले से लगाते हुए प्रदेश का नेतृत्व दिए हैं ओबीसी जी का। जेएमएम में पिछले 9 वर्षों से काम करते हुए मुझे लगा कि जेएमएम में रहकर यहाँ का जो प्रखंड स्तरीय जो नेताओं का रवैया है उस रवैया से ना इन लोग जनता का काम करते हैं ना पार्टी का विकास करते हैं। 9 साल तक ऊपर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमने बहुत प्रयास किया कि पार्टी अपना स्थिति में सुधार करे, अपने कामकाज में रवैया में बदलाव लाए, लेकिन किसी तरह का सुधार नहीं हो पाने के हालत में मैं मजबूर होकर पार्टी से त्याग पत्र दिया हूं और कांग्रेस पार्टी के साथ आया हूं। अब